वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सावन का महीना आ गया है। आए दिन हर घर में मिठाइयाँ बनती है। मैं भी आज दूध पाउडर से खोआ बनाने जा रही हूँ, फिर मिठाई बनाऊंगी गुलाब जामुन। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा घुल गया है। अब इसका खोआ बहुत अच्छा बनेगा। इसे मध्य आंच में बनाया जाता है। धीरे धीरे घोलते हुए ये बनाएंगे खोआ। तो ये गाढ़ा होने लगा है, थोड़ा खदर खदर पकने लग जाएगा, तो इसमें घी डाल देंगे एक चम्मच। देखिए दोस्तों, अब घी डाल रहे हैं एक चम्मच। देखिए दोस्तों, ये गाढ़ा हो गया है। अब इसे थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर एकदम ये टाइट हो जाएगा। एकदम अच्छा खोआ बन गया है दोस्तों। मैंने आपको दिखाया था खोआ बना के, ये आधा किलो खोआ है। ये पनीर डाल रही हूँ आधा पाव। दोस्तों, ये खोआ इसमें एक कटोरा भर के था, तो ये मैदा मैंने आधा कटोरी ली हूँ। अब एक साथ मिला लेंगे सब। दोस्तों, घर का बनाया हुआ खोआ कितना अच्छा है कि इसमें दूध मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतना लसेदार है कि इसमें आराम से सब कुछ मिल गया। देखिए दोस्तों, मैंने चाशनी बना रही हूँ रसगुल्ला बनाने के लिए, गुलाब जामुन बनाने के लिए। अब इसमें पानी डाल रही हूँ। इलायची डाल रही हूँ चाशनी में दोस्तों। ये दोस्तों, अब मैं गोल गोल बना ले रही हूँ गुलाब जामुन। देखिए कितना अच्छा बना है दोस्तों। तेल गरम हो गया है। अब इसमें मैं जो रसगुल्ले बनाई हूँ उसको तल रही हूँ। दोस्तों, पक गया है, अच्छा कलर आ गया है, मस्त। कितना अच्छा फूला फूला बन रहा है। चाशनी में डालेंगे तो और ये फूलेगा। इसमें मैं डाल के दिखा रही। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा बना है। आप लोग को मैं कटोरे में निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए, एक ये आप लोगों के लिए है। देखिए दोस्तों, आपको पसंद आया हो हमारा गुलाब जामुन, तो लाइक कीजिए और सब